तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षत तिवारी। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी लेकर आ चुका हूं, जो कि IAF भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जारी की जा रही है। ग्रुप सी के पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी की जा रही है। 10-12 डिग्री के बेस पर आप लोगों का आवेदन यहाँ पर लिया जा रहा है। एंड आपको बता दें कि इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है और मेरिट बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा, कोई भी आपसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रखा गया है यहाँ पर। एंड हम आपको बता दें कि कोई भी आपसे फ़ी भी नहीं ली जाएगी और लगभग 1524 पोस्ट के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। बम्पर रिक्वायरमेंट कही जा सकती है, ठीक है। फ्री में आपको आवेदन करना है, तो कैसे करना है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल है, क्योंकि वेरियस पोस्ट यहाँ पर जारी की गई हैं, तो सभी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं और 3 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, यानी 3 अप्रैल से इसका आवेदन शुरू है और इसकी जो लास्ट डेट है ये एडवाइजमेंट जारी करने के 30 डेज तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक महीने के अंदर अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आप ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF, तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर अपनी पोस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और आप किस कैटेगरी के हैं, उस पोस्ट में आपके लिए जो कैटेगरी है आपकी कैटेगरी में पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। जैसे कि मान के चलो आप यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेस्ट स्टाफ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर स्टोनो के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जनरल की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, EWS की एक पोस्ट है। यहाँ पर SC ST और PWBD की पोस्ट नहीं रखी गई है, ये आप याद रखिएगा। पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये इसका पोस्टल एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, अपने कैटेगरी के हिसाब से ही आवेदन कीजिएगा। बात यहाँ पर हम डायरेक्ट इसके क्वालिफिकेशन की करते हैं। SC ST कैंडिडेट जो भी हैं इनको एज रिलेशन दिया जाएगा और क्या है कि आरक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है, और यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का, ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर या इसके समकक्ष आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस में। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जैसे स्टोनो का है, अब स्टोनो में आपको अगर आवेदन करना है तो यहाँ पर आपको 12th पास होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन है और स्टोनो टाइपिंग आपको आना चाहिए। 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप मारना है, यहाँ पर दिया गया है। कोई भी आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लोअर डिवीजन का है, कलर का है, यहाँ पर भी आपको 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो आप देख पा रहे हो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर आवेदन कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर आगे यहाँ पर दिया गया है हिंदी टाइपिस्ट का, जो कि 12वीं पास आपसे मांगा गया है और टाइपिंग जो कि LDC के लिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, बेहतरीन रिक्वायरमेंट ये भी है फ्रेंड्स। स्टोर कीपर का है, 12th क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या फिर इसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन है, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर ऑफ ए ओशियन ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन पोस्टों में एक्सपीरियंस मांगा गया है वहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का। देखिए ड्राइवर के लिए है, तो यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का, साथ में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुक ऑर्डिनरी ग्रेड का दिया गया है। देखिए Level 2 की सैलरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, हम केवल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मेट्रिकुलेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कैटरिंग या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। यहाँ पर अगर आप 10वीं पास हैं फिर भी कर सकते हैं, कैटरिंग में आपका डिप्लोमा है फिर भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर भी आवेदन कर सकते हैं कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए। पेंटर के लिए यहाँ पर 10वीं पास है, आवेदन कर सकते हो, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास है पेंटर का तब भी कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन इन ऑपरेट ट्रेड विज पेंटर हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हो।
फिर कारपेंटर का भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया 10वीं पास, हाउसकीपिंग का भी यहाँ पर 10वीं पास रखा गया है, हाउसकीपिंग स्टाफ यानी HKS का भी यहाँ पर 10वीं पास रखा गया है, और लॉन्ड्री मैन का भी यहाँ पर 10वीं पास रखा गया, साथ में एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाइएगा। मेस स्टाफ का यहाँ पर 10वीं पास रखा गया है, साथ में एक्सपीरियंस भी पूछा गया, अगर आपके पास है तो लगाइएगा। मल्टीटास्किंग का भी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास रखा गया, साथ में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरह से दी गई है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो ट्रेडमैन फायरमैन की भी रिक्वायरमेंट दी गई है, जैसे यहाँ टेलर की दिया गया है 10वीं पास, ठीक है। और टेलर की है तो यहाँ पर आपके पास वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर एक्स सर्विस मैन है तो आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से कॉपर स्मिथ एंड सीट का भी दिया गया है 10वीं पास, साथ में सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। फायरमैन का आप देख पा रहे हो दिया गया है, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास आपके पास या इसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं। साथ में फायर फाइट में आपकी ट्रेनिंग भी होना चाहिए, मस्ट बी कंसर्ट विथ द यूज। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें, फिजिकल भी आपको फिट होना चाहिए, यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर रखी गई है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। फिर फायर इंजन ड्राइवर का है तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बताई गई है। फिर यहाँ पर MMT यानी फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का है, जिसकी 10वीं पास मांगा गया है, साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए, या फिर एक सर्विस मैन है फिर भी आवेदन है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी पोस्ट दी गई है। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आवेदन आपको कैसे करना है यहाँ पर बताया जा रहा है, हाउ टू अप्लाई। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, ठीक है, 30 दिनों के अंदर आपको आवेदन कर देने हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स खुद के द्वारा वहाँ पर सेल्फ असिस्टेड करना है, यानी कि खुद के द्वारा सिग्नेचर करके वेरीफाई करना है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, आप आरक्षण चाहते हैं, तो अपना आप डॉक्यूमेंट्स सारे चीज़ें यहाँ पर लगाएंगे, पोस्टल एड्रेस वहाँ पर ही दिया गया है, और आपको बाई पोस्ट आवेदन कर देना है। फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया है, ठीक है। इस तरह से इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में। टेलीग्राम में सर्च करें कि ऑनलाइन पॉइंट, सिंपली आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। गूगल में भी सर्च करोगे कि ऑनलाइन पॉइंट, सिंपली पहुँच जाओगे। बस आपको व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। इस तरह से आप देख पा रहे हो ये चीज़ें ऑफिशियली है, इसको आप मत फिल कीजिएगा। और यहाँ पर ये देख पा रहे हो, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, वो आपको एडमिट कार्ड के लिए बाय पोस्ट आपको भेजेंगे। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हम आपको बता दें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, आप आवेदन जरूर कीजिएगा, कोई भी पैसा आपसे यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, लगभग 2500 लोग यहाँ पर ज्वाइन है, आपको ये नोटिफिकेशन यहीं पर सेंड कर दी जाएगी, वेबसाइट का लिंक भी यहीं पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं आप लोग, कोई भी न्यूज़ या नोटिफिकेशन आती है हम आपको यहीं पर शेयर कर देते हैं। तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन मौका आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आया हुआ है।